पता है मेरा नाम है शिनचैन नोहारा और मैं 5 साल का हूँ। दीदी दीदी आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन? अच्छा आपको क्या पसंद है, शिमला मिर्च या फिर बैंगन? मुझे तो बैंगन बहुत पसंद है लेकिन शिमला मिर्च बहुत गंदा लगता है। बुरी 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 बुरी। तो गाइस अगर आप लोग शिनचैन रेगुलर बेसिस पे देखते हो या फिर कभी आपने देखा होगा लगातार, तो आपने एक चीज़ गौर किया होगा कि जो शिनचैन की टीम है उसमें जो एक करेक्टर है बो, उसकी कोई फैमिली अभी तक दिखाई नहीं गई है। माइट बी हो ही ना ऐसी फैमिली उसकी। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना कि उसकी फैमिली है कि नहीं है। शिनचैन की एक फ्रेंड है नैनी, जिसके पास एक रैबिट डॉल है। यूजुअली वो उसको मारती रहती है जब उसको गुस्सा आता है। आपने देखा ही होगा अगर आप शिनचैन देखते हो। क्या आपको पता है कि जो नैनी की रैबिट डॉल है ये अलाइव है, और एक एपिसोड में ऐसा दिखाया भी गया था। अगर आपको वो एपिसोड देखना है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लेना भाई। पहले पूरी वीडियो देख लो, और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। तो ये फैक्ट है शिनचैन से रिलेटेड। अगर आप शिनचैन देखते हो और जब भी वो मस्ती करता है शिनचैन, तो आपने देखा होगा शिनचैन हमेशा साइड फेस करके हंसता है। क्या आपने कभी शिनचैन का फ्रंट फेस देखा है? तो ये लो भाई आपके स्क्रीन में ये रहा फेस। अगर आपको पूरे एपिसोड भी देखना है तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ऐसे शिनचैन पसंद है कि उसकी साइड फेस जो वो लाफ करता है वो। आप कभी ना कभी तो शिनचैन देखे ही होंगे और मज़ा भी बहुत आता है, बट क्या आपने कभी ये सोचा कि जो शिनचैन का पूरा नाम क्या है? हम लोग यूजुअली कहते हैं शिनचैन देखा, बट एक्चुअली पूरे शो का नाम है क्रेयॉन शिनचैन। और जो क्रेयॉन है वो इसलिए लगाया जाता है क्योंकि क्रेयॉन आपको पता होगा एक टूल है कलर के लिए, जो कि मेनली किंडर गार्डन जो स्टूडेंट्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, और शिनचैन भी किंडर गार्डनर है, तो इसलिए वहाँ पर क्रेयॉन का वर्ड का प्रयोग किया गया है। और जैपनीज में चैन का मतलब आपको पता होगा चिल्ड्रन होता है, तो इसलिए इस पूरे कार्टून का नाम पड़ा कैरी ऑन शिनचैन। तो गाइज आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे जिसमें बताया गया कि शिनचैन की डेथ हो चुकी है, बट एक्चुअली ये फेक है। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन भाई सही में मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह पढ़े गूगल में और विकिपीडिया वगैरह देखा, तो उसमें पता चला एक्चुअली शिनचैन जैसा कोई लड़का था ही नहीं। इसका शिनचैन जो था, शिनचैन स्टार्ट हुआ था कुछ 90s में, और इसके जो ऑथर थे उनकी डेथ हो गई थी एक्चुअली 2006 और 2009 में। तो इसके कारण क्या हुआ ना कि शिनचैन का जो मांगा था उसको वहीं पे रोक दिया गया, और उसके बाद नए एपिसोड्स नहीं है। इसलिए गाइस बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि शिनचैन मर चुका है, बट ऐसा नहीं है, एक्चुअली शिनचैन का ऑथर मर चुका है। तो गाइस शिनचैन की एक मूवी आई थी जिसमें हम लोग को शिनचैन की फ्यूचर की वाइफ दिखाई गई थी, शायद उस मूवी का नाम था दुल्हन ही होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर मैं गलत हूँ तो। बाय द वे गाइस अगर आपने उसमें एक करेक्टर है तामी को, उसको दिखाया गया कि वो शिनचैन की वाइफ है, बट एक एपिसोड में भी शिनचैन पीछे गया था टाइम के अपने दोस्तों के साथ, तब उसने शिनचैन तामी को की जगह किसी और को देखा था एज अपनी वाइफ की जगह। तो भाई ये लगता मुझे टाइमलाइन का प्रॉब्लम है। आपको क्या लगता है कि कौन है शिनचैन की असली वाइफ, तामिको की जो करेक्टर उसमें दिखाया गया था? बट गूगल में तो तामिको ही दिखाया गया है, तो बताना आपको क्या लगता है। क्या आपको पता है कि शिनचैन का जो डॉग है वो एक्चुअली कौन से ब्रीड का है? तो उसकी ब्रीडिंग है या तो वो मॉन्ग्रेल है या तो माल्टीज। आपको क्या लगता है कौन सा है, कमेंट डाउन। अगर आप शिनचैन देखते हो तो आपको पता होगा कि शिनचैन का फेवरेट फूड तो है भाई चोको चिप्स। क्या आपको पता है कि शिनचैन को स्वीट भी पसंद है, बट स्वीट में उसका क्या फेवरेट है क्या आपको पता है? तो ये रहा आपके कंप्यूटर स्क्रीन में या मोबाइल स्क्रीन में। शिनचैन की आवाज बहुत प्यारी है, आपने नोटिस तो किया ही होगा, बट क्या आपको पता है कि शिनचैन की आवाज के पीछे कौन है? तो जी हाँ, उनकी ऑफिशियल हिंदी वॉइस डबर हैं आकांक्षा शर्मा। तो ये रही उनकी पिक्चर। क्या आपको पता है कि शिनचैन की एक्चुअली एक गर्लफ्रेंड भी है, उसका नाम आप जानते ही होंगे ऑफ कोर्स नैनी चैन। एक्चुअली नैनी चैन हैव अ क्रश ऑन शिनचैन।
तो क्या आपको पता है कि शिनचैन का बर्थ कब हुआ है? तो उसका बर्थ डेट है 10 जुलाई 2010। तो आप सोच रहे होंगे ये कैसे हो सकता है अगर 2009 में शिनचैन बंद हो गया था। तो ऐसा है कि हंगामा में वापस से शिनचैन को लाया गया था, पहले मांगा थी, अब हंगामा चैनल में आ रहा है जैसे आप टीवी पे देखते हो। तो इस हंगामा के हिसाब से तो भाई शिनचैन का बर्थ 10 जुलाई 2010 में हुआ, तो इसलिए यही रजिस्टर किया जाएगा एज अ शिनचैन बर्थडे। जैसे कि आपको पता होगा कि शिनचैन हमेशा दूसरों को परेशान करता रहता है, बट हाँ शिनचैन खुद भी एक चीज़ से बहुत परेशान होता है, वो है उसकी बहन हिमावारी। हिमावारी से उसको एकदम नफरत सा है बट एक साइड प्यार भी है, उसकी वो बहुत केयर करता है बट तब भी हिमावारी उसको भाव भी नहीं देती। तो गाइस एक नॉर्मल फैमिली में क्या होता है, रेगुलरली एक मॉम डराती है बच्चे को कैसे एक चाटा का दिखा के, लेकिन नहीं शिनचैन की फैमिली में उल्टा है, उसकी फैमिली में उसकी वो उसको किस का साइन दिखा के डराती है। तो गाइस शिनचैन के बारे में एक बहुत फनी फैक्ट ये है कि शिनचैन को अपने उम्र की लड़कियां या फिर अपने से कम उम्र की लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इस लौंडे को अपने से बड़ी लड़कियों में इंटरेस्ट आता है। अगर आप शिनचैन देखते हो तो आप समझ जाओगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गाइस आपको पता ही होगा शिनचैन कितना पॉपुलर है, और इसके कारण जो कासुकाबी सिटी थी उसका नाम बदल के शिनचैन टाउन कर दिया गया है। यहाँ तक कि जापान की कंट्री ने शिनचैन के नाम पर एक ट्रेन भी लॉन्च किया है। सीरियसली अमेजिंग। क्या आपको पता है कि शिनचैन की इनकम कितनी होती है? वैसे एग्जैक्टली तो किसी को भी नहीं पता, बट इतना बता दूँ कि शिनचैन की जो मूवी होती है वो एक्चुअली आपके कोई भी फेवरेट हीरो से वो अकेले ही ज़्यादा कमा लेता है। उसकी पर डे की इनकम कुछ 3-4 करोड़ है, और इतना मैं बता दूं कि मूवी उसकी सारी हिट जाती है, और यहाँ तक कि आपके फेवरेट करेक्टर अवेंजर्स से भी ज़्यादा इसकी मूवी हिट जाती है। तो आपको पता ही होगा कि शिनचैन को शिमला मिर्च नहीं पसंद है, बट क्या आपको ये पता है कि शिमला मिर्च के एपिसोड जितने भी शिनचैन ने ऐसा कहा है कि शिनचैन को शिमला मिर्च नहीं पसंद, वो सारे एपिसोड्स को जापान में बैन कर दिया गया है। वो इसलिए किया गया है क्योंकि जापान में जितने भी बच्चे थे उन्होंने शिमला मिर्च खाना छोड़ दिया था इस चक्कर में। क्या आपको पता है कि शिनचैन बहुत सारे कंपनीज, ऑर्गेनाइजेशन, गेम्स का एम्बेसडर भी है? इजंट इट अमेजिंग, 5 साल का छोटा बच्चा इतने सारे चीज़ों का एम्बेसडर है, इतना तो भाई आज के सुपरस्टार्स भी नहीं होते। आपने हिरोशी नोहारा के बारे में तो सुना ही होगा, शिनचैन के पापा, उसकी सैलरी कितनी क्या आपको पता है? उसकी सैलरी है अराउंड 60,000, बट तब भी ये बहुत कम है। आप बोलोगे 60,000 कम है, हाँ क्योंकि जापान जैसी बड़ी कंट्री में 60,000 एक्चुअली इंडिया के 10,000-20,000 अर्निंग जैसा ही कुछ हुआ। तो हाँ ये बहुत कम सैलरी है घर चलाने के लिए। तो गाइस अकॉर्डिंग टू दिस फैक्ट, एज यू नो कि शिन को एक्चुअली बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि वो हिमावारी का फ्यूचर फॉर्म है, बट ऐसा नहीं है। आपने बहुत सारे एनिमे में ऐसा देखा होगा जैसे नोबिता, सोचो कैसे होगा, नोबिसुके और तमाको का क्या हुआ, नोबिता, कुछ वैसे शिनचैन और तामिको। आपको पता होगा शिनचैन की फ्यूचर की वाइफ, तो शिन और तामिको को जोड़ो क्या आता है, ऑफकोर्स शिन को। तो मुझे लगता है शिनचैन की ये बेटी है। एक और फैक्ट ये भी है कि तामिको के पास टाइम मशीन भी था और वो रिच भी है, और वही शिनको के पास भी टाइम मशीन है और वो रिच भी है। अमेजिंग। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं अपने किसी और नए वीडियो में जो एक दो हफ्ते बाद ही आएगी, क्योंकि फिलहाल के मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। तब तक के लिए यार ऑल द बेस्ट कह दो, बाय द वे कमेंट्स में, और बाय।